नमस्कार गाइस, वेलकम वेलकम। आप देख रहे हैं टेक्निकल एनालिसिस कोर्स यूट्यूब चैनल की मदद से लाइव ऑन द स्ट्रीमिंग। गाइस, हमारा टेलीग्राम चैनल भी है और आज के दिन हुआ फिर से धमाका। जी हाँ, हमने बोला था बैंक निफ्टी ऊपर जाएगा ही। इस ट्रेंड लाइन को जैसे ही ब्रेक किया, बैंक निफ्टी बूम हो गया इस ट्रेंड लाइन के लिए। जी हाँ, अब आगे क्या होगा इस सवाल का जवाब देंगे सिंपल भाषा में। अब इतना सिंपल है कि एक छोटा 10वीं क्लास का बच्चा भी समझ सकता है, तो आप तो फिर भी पढ़े लिखे। तो गाइज, ये मार्केट सिंपल है, मगर प्राइस एक्शन पता है फेल कहाँ होता है? आप लोगों ने यदि आज नुकसान किया है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करना कि हाँ सर, मुझे नुकसान हुआ है और वो क्यों हुआ है, ये भी बताएंगे आपको। और यदि आप लोगों को प्रॉफिट्स हुए हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करना है। तो ठीक है, सबसे पहले देखो, हमने बोला था बेचने को तो बेच दिया, आज ब्रेकआउट बोला था तो ब्रेकआउट भी आ गया है। स्टिल अब मार्केट क्या लग रहा है, तो इस ट्रेंड के लिए मैंने बोला था मेरे पास देखो एल्गोरिदम है, एक एल्गोरिदम है जिसकी मदद से 1 2 3 जैकपॉट लग जाता है। हमने एल्गोरिदम को ऑन किया तो हमें मॉर्निंग में ही बैंक निफ्टी में सुबह 11 बजे ही बाइंग का सिग्नल दिख गया था। जी हाँ, देख सकते हैं आप स्क्रीन पर सिग्नल को सॉफ्टवेयर की मदद से, और ये सॉफ्टवेयर आप ले सकते हैं लाइफ टाइम के लिए मोबाइल और लैपटॉप पर कॉन्टेक्ट और टेलीग्राम चैनल से। बिल्कुल देखिए, उस ट्रेड ने हमको कंटिन्यूसली क्या बोला कि 39,950 को होल्ड करके चुपचाप बैठ जाओ वहां पे। खरीदारी आप यदि कर लेते तो आपको क्या मिलता देख लो, वहां से ट्रेड मिला तो आपको ये वाला प्रॉफिट मिला, एक्यूरेटेड वाला। फिर उसके बाद मार्केट में फिर प्रॉफिट बुकिंग ले ली हम लोगों ने एक बार, क्योंकि मार्केट से हमको टारगेट नंबर 1, टारगेट नंबर 2 और टारगेट नंबर 3 को अचीव करते हुए मिला। फिर मगर अगर टारगेट नंबर 3 के करीब करीब जैसे ही पहुंचा मार्केट, वहां से रेजिस्टेंस लेता हुआ नजर आया, मार्केट एक बार गिरा। हमने फिर निचले स्तरों पर रिकवरी करी और बॉटम से खरीदारी करने के संकेत जोड़े, और लाइव ट्रेडिंग के दौरान भी आप लोगों को बोला था, यूट्यूब पर लाइव ट्रेडिंग करी थी और उसके दौरान हमने बोला था देखो हमने ये वाला प्रॉफिट फिर से जनरेट किया। ये इंट्राडे ट्रेडिंग होल्ड करी, फिर से हमने होल्ड करी और फिर से प्रॉफिट बुकिंग करी और एग्जिट कर दिया यहाँ पर। अब फिर से नीचे खरीदारी करी और ये वाला प्रॉफिट बनाया हम लोगों ने। तो प्रॉफिट कंटिन्यूसली बन रहा है, मगर उसके लिए भी आपको सही टाइमिंग पर एंट्री और एग्जिट करना पड़ता। और यदि हमने दो तरीके का ट्रेड लिया, एक तो इंट्राडे ट्रेडिंग जो कि हमने करी आपके सामने जो मौजूद है, और एक वो जो कि हमने कंटिन्यूसली होल्ड रखी, 40,000 की कॉल ऑप्शन को होल्ड रखा है लॉन्ग करके, तो अभी तक होल्ड है। और मेरा अगला जो टारगेट है स्क्रीन पर सॉफ्टवेयर की मदद से वो बता देता हूँ आपको। तो 15 मिनट का ब्रेकआउट भी मुझे बोल रहा है, खरीदारी का सिग्नल है। और अगला जो टारगेट है, टारगेट नंबर 1 है, देखो मैं स्क्रीन पर बता देता हूँ बैंक निफ्टी का। मुझे अगला जो टारगेट दिखाई दे रहा है, देखो पहला टारगेट मेरा अचीव हुआ मॉर्निंग में ही तकरीबन 40,100 का, रेजिस्टेंस को ब्रेक करता हुआ। दूसरा टारगेट अचीव हुआ 40,235 का, जो ऑल्सो अचीव हुआ। और अब थर्ड टारगेट भी अचीव हो चुका है, अब अगला फोर्थ टारगेट है मेरा सीधा 40,500 का। जी हाँ, और 40,600 के मेरे टारगेट है, तकरीबन 600-627 तक के टारगेट है। यहाँ तक आपको बैंक निफ्टी ऊपर आता हुआ नजर आ सकता है, वो भी कल के ही दिन तक। पॉसिबिलिटी चांसेस है, टारगेट्स आपके सामने हैं। और बैंक निफ्टी पैसा बनाना बिल्कुल सिंपल है गाइस, यदि एक बच्चा भी बना सकता है। यदि आप पैसा नहीं बना रहे हो ना, तो आपको यहाँ पर सीखना चाहिए। ज्वाइन द प्रोफेशनल ट्रेडर कोर्स गाइस, टेक्निकल एनालिसिस कोर्स, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो। तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर एल्गोरिदम मिल रहा है लाइफ टाइम के लिए मोबाइल और लैपटॉप पर। जी हाँ, साथ में प्रोफेशनल ट्रेडिंग कोर्स भी मिलेगा, इमोशनल ट्रेडिंग, इमोशनलेस ट्रेडिंग। जी हाँ, आपकी इमोशंस की वजह से आपको बड़ा नुकसान होता है ना, तो ये आपका नुकसान कम करेगा, बिल्कुल कम करेगा, मिनिमम करेगा और मैक्सिमाइज प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाएगा। जी हाँ, ऑप्शंस ट्रेडिंग की मदद से। सेकेंडरी बात करते हैं निफ्टी फ्यूचर। अब निफ्टी फ्यूचर का क्या हाल चाल है, तो निफ्टी का फ्यूचर का देखो टारगेट नंबर 1 तो नहीं आया आज, इसके अंदर कोई ट्रेड नहीं था। हाँ, मगर खुलते से ही हमने जरूर इसको सेल जरूर किया और मॉर्निंग में ये वाला ट्रेड लेकर हमने इसको एग्जिट किया। यहाँ पर बॉटम में सपोर्ट लिया था और हमने इसको एग्जिट कर दिया था पहले ट्रेड पे। पर दूसरा ट्रेड हमको क्लोजिंग के दौरान मिला, जो कि मार्केट में हमको बाइंग साइड मिलती है, या तो हम तो इसको लेकर कैरी फॉरवर्ड लेकर चले गए हैं। और आज 17,350 के कॉल ऑप्शन, तकरीबन 300 की कॉल ऑप्शन को होल्ड लेकर गया, जो मुझे लगता है कि जो टारगेट नंबर 1 और 2 के लिए काम करता हुआ नजर आ सकता है। जो टारगेट नंबर 1 और 2 है यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन के हिसाब से, वो मुझे लगता है कि टारगेट नंबर 1 440 रुपये और 460 रुपये के करीब करीब, 460 रुपये फिर से बड़ा रेजिस्टेंस आ जाएगा, तो यहाँ पर मुश्किल लगती है। मुझे लगता है कि इसके ऊपर यदि निकलने में कामयाब रहा, 460-470 के ऊपर,
तो आपको बहुत ही बढ़िया रैली देखने को मिलेगी 500 550 तक की, जो कि हो सकता है 1 से 2 दिनों के अंतर्गत देखने को मिले। तो जल्दीबाजी मत करना, निफ्टी में ट्रेडिंग बहुत सिंपल चलेगी, स्लोली स्लोली चलेगी, और पैसा बनाना तो बैंक निफ्टी में ज्यादा आसान रहेगा। ये जिन लोगों ने कैरी फॉरवर्ड ऑप्शन को कैरी फॉरवर्ड करे हैं मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करना। यदि आप लोगों को एल्गोरिदम चाहिए या प्रोफेशनल ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं तो कॉन्टेक्ट अस, टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। इसी बात पर चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना भूलना मत। देखो हमने लाइव ट्रेडिंग करी और आज के दिन आपको जैकपॉट भी बोला था कि 17,400 की पुट ऑप्शन बाय करनी थी, एंड फिर उसके बाद हमने शॉर्ट्स वीडियो में भी बोला था कि आपको बैंक निफ्टी का कॉल ऑप्शन बाय करना था, तो हमने बैंक निफ्टी का कॉल ऑप्शन का भी शॉर्ट्स बनाया था। तो ये सब वीडियोस देखना भी भूला मत करो, है ना। तो इसी बात पर चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करो। थैंक यू।